गौरांग है आज हमारे साथ। सुप्रभात गौरांग, ऐसे गिरते बाजार में तो अब सिर्फ फंडामेंटल्स का ही सहारा होता है। कहाँ अच्छे फंडामेंटल्स दिख रहे हैं आपको, किन स्टॉक्स को एक्युमुलेट करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो गिरता हुआ बाजार एक आम इंसान पर होता है कि वो नजरिया क्या रखते हैं और उनके पास जोखिम झेलने की क्षमता और समय सीमा क्या है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धिमता का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो गिरता हुआ बाजार हमारे नजर में तो हमेशा एक निवेश का मौका बनता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है प्रियंका के जब बाजार 800,000 पॉइंट ऊपर होता है तो लोग दौड़ते हुए जाते हैं शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, और जब गिरता है तो उससे तीव्र गति से दौड़ते हुए जाता है बेचने के लिए। मेरे ख्याल से ये जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखें कि ये बाजार पिछले 3-4 महीने पहले जो बातें हो रही थी उसके बिल्कुल विपरीत है। तो हम निवेश का मौका मान के चलते हैं, उसी तर्क के आधार पर दो विकल्प हमने आज ढूंढे। एक तो है ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से और दूसरी है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स। तो पहली कंपनी है टोरेंट पावर, आपको याद होगा शायद कि ये सबसे पहली ऊर्जा उत्पादन वाली कंपनी है जो उसके पास कैश फ्लोस पॉजिटिव थे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी शानदार थी जब आप तुलना करते हैं बाकी अन्य कंपनियों से। सरकार की तरफ से घोषणा की है कि आने वाले 2-3 सालों में कम से कम 370 गीगावाट नई उत्पादन क्षमता चारों ही दिशा से हाइड्रो सोलार कन्वेंशनल और विंड पावर ये क्षमता जुड़ती हुई दिखाई देगी। इसमें मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा योगदान टोरेंट पावर का होगा। तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया करीबन 550 का, ये बहुत ही साधारण सा लक्ष्य है, अगर नतीजे अच्छे आए तो इसको ऊपर की तरफ हम साधेंगे। दूसरी कंपनी है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल से विनीति ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी के जो शेयर के दाम है मेरे ख्याल से अपने 92 हफ्ते के निचले स्तर पर चल रहे हैं और ये एक सबसे बड़ा मौका है। लोग इसको शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति से देखेंगे लेकिन हम एक सकारात्मक नजरिया से देखते हैं कि अच्छे दाम पर मिल रहे जहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित दिखते। इनकी जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए थे काफी बेहतर आए थे, नए प्रोडक्ट मिक्स को लेकर के नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करेंगे, मार्केट शेयर अच्छा है। यूरोप प्लस वन चाइना प्लस वन पॉलिसी जो विश्वभर के देशों ने अपनाई उससे भारत में स्थापित स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर लक्ष्य जो हमने साधा है वो करीबन 2150 का है। गौरांग शुक्रिया ये फंडामेंटल पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। गौरांग जी कमिंग बैक टू यू, ताज़ा खबरें आ रही हैं टाटा पावर के मुंद्रा यूनिट के क्लोज की और ऑफकोर्स ड्यूज हैं और पर्टिकुलरली अगर देखें सबसे ज़्यादा ड्यूज इनके लिए गुजरात से आते हैं फॉलोड बाय महाराष्ट्र पंजाब एंड हरियाणा। रिसीवेबल्स ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फ्रॉम मुंद्रा प्लांट। टाटा पावर कल के ही चार्ट्स को अगर आप देखेंगे और कैंडल स्टिक के हिसाब से तो टेक्निकली अगर हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे काफ़ी हद तक गिरावट हाथ लगी थी, लेकिन पिछले डेवलपमेंट्स गौरांग जी जो फंडामेंटल नज़रिए के साथ होते हुए दिखे हैं, जो कुछ तमाम न्यूज़ फ्लोज लगातार आते हुए दिखे हैं, ऑफकोर्स बिजली की डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन इन सारे डेवलपमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए किस तरह के सेंटिमेंट्स टाटा पावर में बन रहे हैं? मानसी मुझे लग रहा है कि और जैसे अभी मैंने एक फंडा पिक में टोरेंट पावर का जिक्र किया और मैंने ये भी बताया था कि करीबन 170 गीगावाट्स बहुत बड़ी क्षमता होती है मानसी, तो इतनी बड़ी अगर एडिशनल कैपेसिटीज आएगी तो जाहिर है टाटा पावर का भी योगदान होगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है ऊर्जा उत्पादन हमारे देश में, सबसे पहली NTPC। पहले तो कवरेज है डिस्क्लोजर दे देते हैं टाटा पावर पर, और ये जो 200 के नीचे फिसला है 185 के नीचे मेरे ख्याल से कल कामकाज कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका है मानसी, और यहाँ से भी नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। और कुछ 2-3 दिन पहले ही मेरे ख्याल से सोलार सेल्स को लेकर के सरकार की तरफ से जो आवंटन किया गया था उसका भी फायदा इस कंपनी को मिलेगा। इसके साथ साथ सोलार में इन्होंने अपने नक्शे कदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारतवर्ष में चारों तरफ फैलाए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जेस स्टेशन वगैरह वगैरह। तो ये दिक्कत जो है मुंद्रा MMPU को लेकर के मुझे लग रहा है कि ये एक छोटी अवधि के लिए कुछ दिक्कतें हैं उसके कारण थोड़ी बहुत वहां पर नकारात्मक खबरें हम सुन रहे हैं, और अगर आप कैपेसिटी देखें मुंद्रा पावर की तो ज्यादा समय तक इसको बंद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सरकार के तरफ से ही इन सब कंपनियों को ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों के आप अपनी क्षमता जो है प्लांट लोड फैक्टर जिसे हम कहते हैं मानसी उसको बरकरार रखे और हो सके तो उसको 100% तक लेके जाए ताकि
अभी अभी जिस तरीके से टाटा पावर की मैनेजमेंट बयान कर दे रही थी कि गर्मियों के सीजन में मुंबई महाराष्ट्र को छोड़ करके बाकी अन्य देश में जिस प्रकार से गर्मी का पारा चढ़ता है स्पेशली नॉर्थ में, तो उधर मांग बहुत ज्यादा होती है। तो आप छोटी मध्यम अवधि के लिए जो खबरें आई हैं, जो आवाज हो रही है बेफिजूल की, उस पर ज्यादा ध्यान मत दे। अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प ढूंढना है तो एक दूसरा विकल्प होगा ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर। ओके ठीक है, सो टाटा पावर पर आपकी यहाँ बाय रिकमेंडेशन है, लेकिन इनकी जो स्टेट डिस्पर्समेंट से जो रिकवरीज हैं उनको लेकर जो ड्यूज और पेनल ड्यूज जो है वो जो लेट चल रहे हैं उनके चलते कुछ कंसर्न जरूर बाजार में भी है, जिसके चलते आप लेवल जरूर शॉर्ट टर्म के लिए नीचे देख रहे हैं।